हेलो माय डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लाइव क्लास टुडे दिस इज योर जनरल अवेयरनेस क्लास फॉर आईबी बी एग्जामिनेशन 2020 तो क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जामिनेशन होने वाला है ए पोस्ट के लिए उसमें जनरल अवेयरनेस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और आज इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपकी जी सीरीज और लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बिन स्टार्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के तो आई होप आप वो लेक्चर्स भी देख रहे हैं दिस इज द लेक्चर वन वील बी स्टार्टिंग विद जीए एंड आई जस्ट वेट आप लोग अगर लाइव आ जाते हैं तो गिव मी अ थम्स अप एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि आप मुझे सुन सकते हैं आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं सो दैट आई कैन स्टार्ट विद यर क्लास ठीक है आपकी पहली क्लास है गाइजी लेक्चर वन है जनरल अवेयरनेस का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा आज का हाँ जी रजत जी आ चुके हैं uh, मैं आपके आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन आप पहले बस मुझे बता दीजिए कि मैं अच्छे से आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक है मेरे लिए इट विल बी मैसेज कि येस एवरीथिंग इज़ फाइन जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स ही आएगा ना हाँ जी मैं देती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑल क्लियर ऑडिबल थैंक यू श्रेयाश जी रजत जी ठीक है तो गई ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये है क्या है ना जैसे कि सवाल पूछा आपने देखिए बच्चों जनरल अवेयरनेस में देख रही हूँ पीपल आर कन्फ्यूज के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ के जैसे कि इकोनॉमी पॉलिटी साइंस इसको भी बच्चे जी काउंट कर रहे हैं लेकिन आपकी जो चेंज अभी पैटर्न आया है एग्जाम का जिसमें ट्वेंटी मार्क्स सबको एलोकेट किए गए हैं हमने एक वीडियो भी बनाया है एडिटाफ फैकल्टी ने अब वो देख सकते हैं जिसमें पूरा एग्जाम का पैटर्न और नोटिफिकेशन को डिस्क्राइब किया गया है आप वो देख सकते हैं आपको हेल्प मिल जाएगी समझने में तो जीए पे वापस आते हैं गाइज जो आपका जनरल स्टडीज है वो सेपरेट है उसको हम आपको जीए की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं हमने आपके एग्जाम को स्टडी किया है और आपके पैटर्न को स्टडी किया है उस हिसाब से हमें लग रहा है बेटर होगा बच्चे अगर जनरल अवेयरनेस को अलग से पढ़ें जीएस के अलावा जीएस के लेक्चर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन

Uh, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के कोई इंपॉर्टेंट किसान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है है ना तो वो भी हम आपको पढ़ा देंगे यू डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है जी तो ये है आपका हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो जॉइन आर टेलीग्राम चैनल तो इन दो यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू गेट डेली वीडियोज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस जिंदा डिस्क्रिप्शन भी लो यू कैन जॉइन दैट चैनल सो दैट यू कैन गेट द पी डी एफ्स ऑफ दीज लेक्चर्स वट एवर वी आर स्टडिंग हीयर इसका पी डी एफ आपको मिल जाएगा और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं डाउनलोड करके पी डी एफ को ठीक है जी तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट एडियोटॉप हैज लॉन्च आई बी का जो आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए एक वीडियो मास्टर कोर्स है आपके पूरे एग्जाम के प्रोसेस में दिस कोर्स इज गोइंग टू तो हेल्प यू कैसे टीयर वन में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं विडियोज एंड एम सी क्यूज ऑफ क्यू आर ई क्वान्टिटेटिव रीजनिंग एंड इंग्लिश इनका आपको वीडियो मिस मिल जाएगा एंड एम सी क्यूज फिर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नोट्स वीडियोज हैं साथ में और क्विज मिलेंगे जीएस कंपोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स के जीएस समझ रहे हो जीए अलग है जीएस कॉम्पोनेंट्स के जिसमें क्या है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इकोनॉमी साइंस तो ये सब आपको मिल जाएगा प्लस जो आपका जनरल अवेयरनेस है करंट अफेयर्स उसको केटर करने के लिए मंथली मैगजीन और उसके क्विज क्विज आपको ऑनलाइन फॉर्म में बिल्कुल उसी पैटर्न पे मिलेंगे जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं ठीक है तो ये सब हम आपको टीयर वन के लिए दे रहे हैं फिर इसी कोर्स में टीयर टू में यू कैन गेट वीडियो लेक्चर्स ऐसे राइटिंग प्रिसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ऐसे को लिखने के लिए जो मटीरियल चाहिए होता है दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड और ऑब्वियसली सैंपल एक्सरसाइजेस विल ऑल्सो बी देर राइट फिर गाइज अगर आप टीयर टू क्लियर करते हैं विच आई रियली होप आप लोग करेंगे अगर अच्छे से मेहनत करते हैं और ये सब अच्छे से पढ़ते हैं तो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इंटरव्यू गाइडेंस फ्राम एक्सपर्ट्स आपके मॉक इंटरव्यूज रखवाए जाएंगे ताकि आपको जो रियल सेंस में इंटरव्यू देना है उसकी पूरी फील आए एंड यू कैन परफॉर्म देअ बेटर ठीक है जी तो दीज आर ऑल द थिंग्स वच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इस सबके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री हमें कॉल कर लेना आप नंबर मैं एंड में आपको दे दूंगी विच इज़ एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन ठीक है और मेल भी डाल देना आप हमें अगर कुछ जानना चाहते हो तो नहीं तो कोर्स तो अवेलेबल है ही वेबसाइट पर जाके आप बाय कर सकते हैं चलिए तो गाइज आई विल नाउ स्टार्ट विद योर क्लास तो पहला है आपका क्वेश्चन हम ना क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ाई करेंगे क्वेश्चन uh, की फॉर्म में मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि एक तो आपको न्यूज़ तो पढ़ा दी मैंने आपको है ना लेकिन न्यूज़ में से पूछेंगे क्या ये भी पता होना चाहिए तो बेसिकली टू केटर टू दैट पर्टिकुलर नीड हम यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में आपके न्यूज़ को पढ़ेंगे ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेती हूँ शिवन का कि हाउ जीए इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीए देखो मैंने अभी अभी बताया कि जो जीए है जनरल अवेयरनेस है आपके एग्जाम के हिसाब से वो सीए ही रहने वाला है अब जीएस को अलग मानिए प्लीज़ उसको हम जीएस का पार्ट नहीं मान रहे हैं वो अलग से एक सीरीज़ है अलग से कंपोनेंट है वो पढ़ाया जा रहा है जब हम जी ये बोल रहे हैं तो हम आपके करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं एग्जाम से पहले सिक्स टू एट मंथ्स पहले का सारा करंट अफेयर्स और अगर कुछ थोड़ा बहुत स्टैटिक रिलेटेड है स्टैटिक मतलब जो नया नहीं हुआ है पर न्यूज़ में था वो भी हम कवर कर देंगे आप उसकी फिक्र मत कीजिए ठीक है तो जी मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिया रैंकिंग इन दी टीआई ट्वेंटी ट्वेंटी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज रिसेंटली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस तो अभी जी टी आई ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज हुआ था इंडिया की रैंकिंग क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए आई कैन सी आंसर क्या आ रहा है एर्थ दैट इज सी अंकित और सौरभ जी ने दे दिया है आंसर आकांक्षा ने लिखा था ओके तो गाइज आपका आंसर बिल्कुल सही दिया है आपने एर्थ तो इंडिया का रैंक है जी टी आई ट्वेंटी ट्वेंटी में एथ पोजिशन आपको जानना होता है इंडिया का रैंक एंड सेकेंडली ये रैंकिंग कौन निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन टू गाइस पैसेक्स एक्सरसाइज इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश अब देखो बच्चों ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज -ex है अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया ठीक है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सी ए लेकिन ये हर साल होती है ठीक है तो ये जीए भी तो है ना स्टैटिक भी है एक तरह से स्टैटिक का मतलब है जो हो इस बार तो हुई है लेकिन हमेशा होती है तो भी आपको पता होना चाहिए राइट तो दिस इज वॉट योर जीए इज आपको जनरली सब कुछ ज्ञान होना चाहिए स्पेसिफिकली स्पेशली जानना है तो वो आपके सब्जेक्ट्स हैं क्यू आर ई के जी एस के उनको पढ़िए राइट तो हाँ जी वॉट इज द आंसर पैसिक्स इज अ वेरी फेमस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज आर्मी एयरफोर्स नहीं नेवी ऑफ इंडिया एंड अच्छा श्रेयांश अंकित जी सौरभ डी के सबने आंसर दिया है रशिया दैट्स राइट गाइज इंदिरा भी कहते हैं इंदिरा भी एक एक्सरसाइज एक है इंडिया और रशिया की तो ये जो आ, नेवी की एक्सरसाइज है पैसेक्स इंडिया एंड रशिया के बीच में होती है वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फोर्टी ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज तो ये जो बुक है ये अभी रिलीज हुई थी ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स पिछले कुछ महीनों में न्यूज में रही हैं वी आर गोइंग टू पिक दोज अप एंड वी विल कवर ठीक है cover, तो अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज बुक हैज बीन ऑथर्ड ओथ, बाय नंबी नारायणन ए सिवतानु पिल्लई मलस्वामी अनुदुर अनादुरई और अविनाश चंद्र तो इसका आंसर बच्चों रहेगा सिवतानु ये बुक है अब्दुल कलाम जी पे बहुत फेमस पर्सनालिटी है अब्दुल कलाम जी इनके ऊपर बुक लिखी गई है तो आपको वेरी नाइस देखिए इफ यू डू नॉट नो प्लीज डो नॉट बी वरीड आपका टेस्ट नहीं है ना ये आपको बताया जा रहा है कि ये आंसर है अगर पता है तो वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है यू आर गेटिंग रिविजन क्विक वन Question 4 Who among the following has been named as the winner of Global Teachers Prize 2020? I told you that nationally as well as internationally, what is happening, you should know. So, international prize is Indian personality. Ko. So, you should be aware about it Kailash Satyarthi ji, Ranjit Sindhisale, Mansi Joshi, or none of the above. So, ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 है वो दिया गया है प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को जो कि मानसी जोशी नहीं है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगी आपको आगे कैलाश uh, सत्यार्थी जी इज ऑल्सो नॉट अ प्राइमरी स्कूल टीचर ही इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया ही वॉन्ट नोबेल पीस प्राइज ट्वेंटी सिक्सटीन में अलॉन्ग विद मलाला यूसुफ दिस इज नॉट द आंसर राइट आंसर इज रंजीत सिंह दिसाले सी This person has got Global Teachers Prize for this year. Okay, very important award. तो रंजीत सिंह जी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र यू शुड नो दैट फ्रॉम विट स्टेट ही हिल्स एंड ही हैज़ बिन अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन तो बेसिकली इन्होंने कहा कि गर्ल्स की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए एंड ही ऑल्सो प्रमोटेड क्यू आर कोडेड टेक्स्ट बुक रेवोल्यूशन इन इंडिया क्यू आर कोड होता है ना जो आप स्कैन कर लेते हैं फोन के स्कैनर से और आपको वो ले जाता है एक वेबसाइट की तरफ तो इन्होंने कहा वो क्यू आर कोड जो है बुक्स के लिए भी होना चाहिए उसको ही सपोर्टेड एंड फॉर गर्ल्स एजुकेशन स्पेसिफिकली ही इज अ प्राइमरी स्कूल टीचर फ्रॉम महाराष्ट्र ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस मानसी जोशी आई प्रोमिस आई टेल यू इज तो मानसी जोशी हैज वन द टाइटल ऑफ डिसेबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी हां जी Here is Mansi Joshi. You can see the racket in her hand. She is a badminton player and she is a disabled player, guys. She met with an accident a few years back. She is a young girl, but then she started pursuing her dream of playing badminton. You can see the Barbie in her hand. The model was also dedicated to her. You see, para athlete Barbie was uh, designed especially to dedicate to Mansi Joshi ji. So, two important personalities Mansi Joshi, which is Disabled Athlete of the Year, and Ranjitsin the right? आगे बढ़ते हैं हैंज बिन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी बाय द जो आपका सिलेक्शन कमिटी है उसका हेड कौन होगा बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है जो आपका क्रिकेट कंट्रोल का आज हम गाइस वी विल कवर 25 ट्वेंटी इन एवरी क्लास वी विल ट्राई टू कवर आपके 25 क्वेश्चन करेंगे पिछले ऑल द मंथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे कर लेंगे आपको और उसके साथ में ऑनलाइन क्विज जैसे कि मैंने पहले मैंशन किया था तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है वो मैगजीन पढ़ लीजिए ओके okay, तो यहाँ पे क्या आंसर है चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी कौन है आई कैन सी गीत इज गीत हेज रिटन बी नीलेष से सी सौरभ भी सी कह रहे हैं रोहन भी तो बी और सी में जैशा और चेतन शर्मा में आपको कन्फ्यूजन है बिल्कुल सही कन्फ्यूजन है क्योंकि जैशा जो है ही वॉज इन न्यूज़ अलॉट ड्यू टू दिस बी सी सी आई थिंक आई थिंक दे वर सम लाइक ऑन सोशल मीडिया इट वॉज़ वेरी फेमस कि कैसे अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो अपना क्रिकेट पे उनका कैसे लाइक ही वॉज वॉचिंग अ वी आई पी जगह पर बैठ कर तो काफ़ी फेमस हो गया था ये लेकिन ही इज नॉट दी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन चेतन शर्मा जी हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ चेतन शर्मा ठीक है जय शाह इज नॉट द राइट आंसर डो नॉट गेट कन्फ्यूज इसको रॉन्ग मत करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंट अपॉइंटमेंट है आपके पेपर के लिए राइट right? क्वेश्चन सिक्स गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ई संपदा हाँ जी तो ना गवर्नमेंट की जैसे कुछ स्कीम है या बिल आ जाता है गवर्नमेंट का या कोई इनिशिएटिव है दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वी सी द पैटर्न तो ई संपदा इज अ मोबाइल ऐप इट हैज बिन रिसेंटली लॉन्च बाय अ मिनिस्ट्री यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री द पर्पज ऑफ द ऐप आई विल टेल यू लेटर आफ्टर यू टेल मी द मिनिस्ट्री ठीक है देखते हैं इफ यू नो इट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कह रहे हैं नितेश एंड ईवन आकांक्षा हैं डी सत्यप्रकाश इज़ गोइंग विद ए ग्रेयश इज आल्सो गोइंग विद ए तो माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जिसने ई संपदा ऐप को लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल और ऐप है अब यह है किस लिए इट इज़ अ सिंगल विंडो काइंड थिंग विच प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक अलाटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल गवर्नमेंट प्लेसिस ऑफिस स्पेस एक्सेट्रा तो शहरों में होती हैं ज़्यादातर ये चीज़ें ना तो इसीलिए हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको घर एलोकेट करना है या फिर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस चाहिए तो ये सब को कैटर करेगी दिस एप ई संपदा ठीक है यू सीन यूजअली विलेज में ये सब कम होता है बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस सरकार के राइट तो सिटीज में रहती हैं इसलिए आप याद रखिएगा ये वाली मिनिस्ट्री है ठीक है आगे बढ़ते हैं इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मेट्रो तो हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया लॉन्ग टाइम अगो बट ड्राइवरलेस मेट्रो रिसेंटली वॉज फ्लैगड ऑफ बाईर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी राइट तो द सिटी वेयर दिस हैज बीन स्टार्टेड इज कोलकाता जयपुर न्यू डेली बेंगलुरु ऑल दीज प्लेसिज हैव मेट्रो ठीक है तो कंफ्यू गेस uh, नहीं कर सकते अगर यू हैव स्टडीड इट वेरी नाइस वेरी नाइस न्यू डेली आ रहा है आंसर बिल्कुल सही है आंसर गाइज येस दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरल अवेयरनेस यू सी कैसे अगर आपने पढ़ा हुआ है आप गलत मार्क नहीं करोगे दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग एंड आई वुड से द क्विक जो सेक्शन होता है एग्जाम का क्योंकि क्वान्ट है रीजनिंग है इंग्लिश है यू हैव टू रीड यू हैव टू सॉल्व इट है ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग में इंग्लिश में भी आपको अच्छे से यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन रिटर्न कुछ गलत ना फ्रेम कर दो में क्या है अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है जस्ट यू हैव टू स्टडी एंड यू शुड नो वॉट टू स्टडी ऐसे नहीं कुछ भी हाथ में आया पढ़ने लग जाओ वो नहीं करना है यू शुड नो एग्जामिनर क्या चाहता है वो पढ़ा है पेपर देखा साथ ही आंसर मार्क कर दिया दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरल अवेयरनेस बहुत स्कोरिंग सेशन है सेक्शन है गाइज पढ़ना चाहिए अच्छे से आपको क्वेश्चन एट सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज हाँ जी रिसेंटली ये एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है सोकार इसको uh, एक कन्वेंशन uh, है रामसर कन्वेंशन करके ठीक है उसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंडिया हैज एडेड लाइक फ्रॉम इंडिया दिस साइट हैज बीन एडेड इन दिस इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड साइट्स अंडर रामसर कन्वेंशन ठीक है तो इट इज लोकेटेड इन लद्दाख आ रहा है आंसर बिल्कुल सही आ रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के तो गाइस अगेन जो नहीं दे पा रहे आंसर डोंट वरी आपको पीडीएफ मिल जाएगा अब जान लिया है ना मार्क्स तो हमें पेपर में चाहिए तो रिसेंटली किया है रामसर वेटलैंड साइट साइट में इंडिया की तो देखो ये हो गया ना आपका वही पार्ट जो मैं आपको कहती स्टैटिक या करंट सोकार न्यूज में था लेकिन ये तो पहले से है आपको पता अब होना चाहिए क्योंकि अभी न्यूज में आया दिस इज वॉट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं किसान दिवस और नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन डैश जी तो फार्मर्स आर द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कम्युनिटी नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ द फार्म लॉज विच वर पासड बाय द गवर्नमेंट फार्म बिल्स पास किए गए आफ्टर दैट जो डिस आपके फार्मर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट्स दे के मक्रॉस है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए इस डे की महत्वता और बढ़ जाती है आज के समय में ठीक है तो नेशनल फार्मर्स डे हर साल मनाया जाता है 2001 से मनाया जा रहा है इंडिया में ठीक है तो बताओ फिर के कौन से डे पे होता है 21 दिसंबर 24 दिसंबर 23 दिसंबर और 26 दिसंबर व्हाट इज द राइट आंसर 26 दिसंबर आई कैन सी आंसर आ रहा है फिर 23 आ रहा है 26 दिसंबर आंसर नहीं है गाइज uh, इसका 23 दिसंबर है प्लीज उसको नोट इट डाउन अब क्यों बनाते हैं ये बेसिकली दिस डे मार्क्स दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी है? And, uh, he was a किसान लीडर ये देख इनका पिक्चर वेरी फेमस किसान लीडर कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के छोटे से टनौर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत काम किया है. किसान नेता थे ये इनके बर्थडे को माफ करने के लिए वी सेलिब्रेट किसान दिवस इन इंडिया ऑन ट्वेंटी थर्ड डिसंबर इस साल इसकी रेलिवेंस क्या है आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू आगे बढ़ते हैं नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन डैश तो कंज्यूमर्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है अगेन आई होप आप समझ पा रहे हैं है ये करंट अफेयर ठीक है अभी अभी सेलिब्रेट किया गया दिसंबर के मंथ में लेकिन क्या ये स्टैटिक नहीं है हर साल नहीं मनाया जाता ये तो यही है वो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए ये आता हर साल है लेकिन फिर भी अभी अभी सेलिब्रेट किया गया कुछ महीनों पहले एग्जाम से पहले तो यू शुड नो तो टेंथ का आंसर मेरे पास आ रहा है बी आकांक्षा जी ने आंसर दिया है ओके गाइज आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क क्योंकि आई यू लाइक फाइन विद मी यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ या फिर आप चाहते हैं मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश या फिर हिंदी में ही पढ़ाऊं हिंदी में खाली तो वैसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली द कंटेंट वी आर रीडिंग इज इन इंग्लिश लेकिन डू यू वॉन्ट मी टू स्विच टू इंग्लिश कंप्लीटली और एल्स आप चाहते हैं मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ मुझे प्लीज बता दीजिए लिखकर लिखते हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ ठीक है आकांक्षा इज इज ओके अभिषेक इंग्लिश ओनली सी आई नीड टेन स्टूडेंट्स टू राइट मुझे एक तरफा टेन वर्ड्स चाहिए टू फाइनली नो वॉट लैंग्वेज टू यूज एक, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश हो गया है ओके okay. टूच वोटिंग चल रही है ओके थ्री इंग्लिश हो गया अभिषेक आई वोट काउंट योर वोट अगेन एंड अगेन वंस ओनली वन पर्सन फोर इंग्लिश एंड टू इंग्लिश फाइव हो गया बोथ टेन टेन आई नीड पी क्विक प्लीज जल्दी कर लिख दो फटाफट से सो दैट वी कैन रिज्यूम गुड विथ बोथ फाइव आ गया है ओके थ्री फॉर ओनली इंग्लिश सिक्स फॉर बोथ ओके फोर वर्ड्स मोर फॉर बोथ आई स्टार्ट विथ दैट ओनली ठीक है अभी इंग्लिश पीछे चल रहा है थोड़ा ठीक है, फाइव हो गया है इंग्लिश ओनली का बहुत सारे बच्चे लाइव हैं आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट देखो वोटिंग करने भी तो जाते हो ना तो फिर यहीं से पता चलता है कितने एक्टिव हैं हम आप ही क्लास है आप ही के लिए है हां जी तो मुझे टेन वर्ड्स तो मिल चुके हैं लेकिन इंग्लिश और इंग्लिश वाले मिला के अभी के लिए इज फॉर लाइक मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज़ इंग्लिश तो गाइज वॉट लेट्स डू वन थिंग अभी इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश पे ही रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं इफ़ आई गेट लेटर ऑन रिक्वेस्ट ज़्यादा आती हैं तो वी कैन थिंक ऑफ स्विचिंग लेकिन अगर इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ तो लेट्स कीप इट अभी ऐसे ही ठीक है जी तो चलो Consumer Day is observed in India on 24th of December this year theme was sustainable consumer okay ओके ओके फाइन फाइन ठीक है तो नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ डिसम्बर थीम हो गया सस्टेनेबल कंज्यूमर क्वेश्चन इलेवंथ गुड गवर्नेंट गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसंबर इन इंडिया एवरी ईयर मार्क्स दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज हाँ जी इंपॉर्टेंट डेज हैव बीन सेलिब्रेटेड कंज्यूमर डे देन वी ऑल्सो कवर्ड वो जो पीछे किया था अभी कौन सा था आई फू गॉट हाँ किसान दिवस एंड दिस वन Good Governance Day. On the day of Christmas, we observe Good Governance Day uh, to mark uh, the personality, the birth anniversary of famous personality. Very nice, very nice. Everyone knows this answer. Atul Bihari Ji. So, Bharat Ratna Atul Bihari Ji's birth anniversary we celebrate on twenty fifth December as Good Governance Day. Question twelve. Kid of the Year Award by Times Magazine for the year twenty twenty given to in the month of december times magazine for the very first time in its history came up with this award of kid of the year this has gone to geetanjali rao indian uh, per origin girl she is she is uh, has got this award for her scientific uh, temperament and she is also an inventor <laughs> So this is the picture, first ever kid of the year. 15 year old Gitanjali Rao. Question 13. Gwalior and Orcha cities of Madhya Pradesh have been recently inducted in World Heritage Cities list by current affair is that Gwalior and Orcha cities are in Madhya Pradesh, right? And these two have been inducted in the list of World Heritage Cities, which is released by UNDP, UNESCO, IMF and World Bank. वर्ल्ड बैंक यूनेस्को वुड बी द राइट आंसर टू इटनेस्को रिलीज इज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ सिटीज एंड ग्वालियर एंड ओरछा हैव बीन फ्रॉम मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉलोइंगज बीन डिकलेयड एज अ मेल एथलीट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ जी इंपॉर्टेंट अवार्डल्ड एथलीट ऑफ द ईयर वॉज मानसी जोशी आई एव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस आई होप यू विल नॉट फोगेट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कैटेगरी तो अब है मेल एथलीट तो फीमेल एथलीट भी पढ़ेंगे हम पहले आप मुझे मेल एथलीट बता दीजिए इफ यू नो दिस आंसर बाय एनी चांस यूनेस्को अच्छा पीछे का आंसर है लैग इट सीम्स मुंडो मोंडो डुप्लांटिस फ्रॉम स्वीडन दिस इज द पर्सन एंड फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर इज यूलिमार रोजेस राइट so these are the two important persons, male and female athlete of the year. which of the following is the 100% organic union territory of india? recently announced guys, 100% organic state, first organic state of india is sikkim. this was again in news earlier, uh, like few years back, i think it's been two years now. so 100% organic uh, state, the first organic state, like in 100% organic union territory of india is. आंसर इज लक्षद्वीप गाइस ऑप्शन डी क्वेश्चन सिक्सटींथ पे चलते हैं आई हैव ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन फॉर यू यूएनसी टैड द विनर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अवार्ड यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इज गिवेन बाई यूएनसी टैड ये आपको पता होना चाहिए एंड इट इज गिवेन टू विच कंपनी इन्वेस्ट इंडिया ठीक है इन्वेस्ट इंडिया इंडिया की जो कंपनी है बेसिकली इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है एंड दिस अवार्ड हैज़ गॉन टू इट ओनली बाय द इंटरनेशनल बॉडी यू एन सी टैड नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है ये नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कैरोलीना अरोजी फ्रॉम डैश हिस्स बिकम फर्स्ट नॉन इंडियन टू विन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथामेटिशियंस तो इफ़ यू हैव बिन सींग प्रिवियस लेक्चर्स अगर आप एडियोट के सब्सक्राइबर हैं तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं इसमें से वीकली क्लासेस में वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं तो यू मस्ट है तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के लिए हेल्प हो जाएगा राइट right, ब्राजील है कैरोलिना डॉक्टर कैरोलिना इज फ्रॉम ब्राजील शी इज बिकम द फर्स्ट नॉन इंडियन रामानुजन प्राइज रामानुजन जी के नाम पे वी प्रोवाइड द मैथमेटिशियन प्राइस फर्स्ट नॉन इंडियन है कैरोलिना डॉक्टर कैरोलिना फ्रॉम ब्राजील क्वेश्चन 18 इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया तो इंडिया की कौन सी स्टेट इज गोइंग टू होस्ट दिस हॉकी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ये देखो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है है ना तो स्पोर्ट्स हो गया डिफेंस फिर डेज इस तरह के क्वेश्चंस आर रेलेवेंट आपके एग्जाम को तमिलनाडु उड़ीसा हरियाणा या पंजाब तो क्या आंसर होगा इसका बी आ रहा है आंसर बिल्कुल सही आ रहा है अविनाश नितेश सौरभ उड़ीसा ठीक है बिल्कुल 2023 तो में दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस बट इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड तो यू शुड नो ठीक है वट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी तो यू एनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीजेस दिस एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इंडिया का रैंक बताओ इसमें क्या है एंड इज इंडियाज रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वन थर्टी वन है इंडिया का रैंक ठीक है रिलीज कौन करता है ऑलरेडी टोल्ड यू इंडिया हैज़ एक्चुअली ड्रॉप्ड बाय वन रैंक लास्ट ईयर इंडियाज रैंक वाज़ 130 इस साल एक नंबर हम पीछे हो गए हैं ठीक है नहीं नहीं इट्स 131 यहां यहाँ पे आई कैन सी पीपल डू नॉट नो अबाउट द रैंक्स एग्जैक्टली कुछ भी चल रहा है नहीं प्लीज नोट इट डाउन गलत नहीं करना है एग्जाम में सही करना प्लीज 131

Because uh, by the factor of their age. So, Azim Prem ji ko milai award. Ratan Tata ji milai. I hope we all know about him. Tata's ke head hai chairperson. And he has got this award. He is going to be given this award. Global Visionary of Sustainable Business. Very nice. हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज फ्लैग्ड ऑफ एन इलेवन ईयर लॉन्ग ऊर्जा स्वराज यात्रा तो ऊर्जा स्वराज यात्रा बिलोंग्स टू विच स्टेट ये भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में सीधा ही ठीक है ऊर्जा स्वराज इज बेसिकली रिलेटेड टू रेन्यूएबल एनर्जी करके टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द रेन्यूएबल एनर्जी दिस हैज बीन स्टार्टेड फ्लैग्ड ऑफ बाय द सीएम ऑफ विद स्टेट बिकॉज दिस यात्रा बिलोंग्स टू दैट उधर के सीएम ने ही किया है हाँ सौरभ श्रेय हर्ष आनंद आ, आनंद तो कह रहे हैं ममता ममता जी यानी वेस्ट बेंगाल जी मध्य प्रदेश है इसका आंसर शिवराज सिंह चौहान जी ने ये इसको ऊर्जा स्वराज यात्रा को फ्लैग ऑफ किया है ठीक है सॉरी ये क्या हो गया भाई आई एम सॉरी कुछ एनिमेशन की गड़बड़ लग गई यहाँ पे आई एम सॉरी अबाउट दैट आई जस्ट मेक इट चेंज इन दर पी डी एफ में ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आईज नेटवर्क जी, फाइव आईज नेटवर्क का कौन पार्ट नहीं है ऑस्ट्रेलिया कैनेडा इंडिया यूएसए अगेन ये फाइव आईज नेटवर्क एक अलायंस है पुराना लेकिन इट इज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज कंट्री इज गोइंग टू बी एडिड इन इट इंडिया इज द आंसर इंडिया का अभी तक कोई लेना देना नहीं है इनसे इंडिया इज नाई देर अ पार्ट नॉट प्लानिंग टू ज्वाइन ठीक है फाइव आईज़ कंट्रीज हैं आपकी यूएसए यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दीज आर द फाइव आइज कंट्रीज एंड नाउ जपैन इज गोइंग टू बी एडिड टू दिस पर्टिकुलर फाइव आई कंट्री वाला नेटवर्क फाइव आईज का मतलब है कि फाइव विजन रखने वाले हैं ये टू केटर टू जैसे नॉर्थ कोरिया चाइना इनके एक्सपेंशन को लेके ये ज्यादा गड़बड़ नहीं करें ये इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फाइव आईज नेटवर्क बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी फेमस नेटवर्क बट स्टिल वी शुड नो बिकॉज इट इज इन न्यूज वी विल कवर सच थिंग्स फॉर यू एंड डैश तो किसान रेल इज अ वेरी फेमस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट बजट में इट वॉज अनाउंसड किसान रेल इज गोइंग टू बी स्टेड सो दैट किसान एबल टू ट्रांसपोर्ट उनका जो थिंग्स प्रोड्यूस होता है वो इजिली ट्रांसफर हो सके अक्रॉस इंडिया तो हंड्रेड किसान रेल अभी चली है बिटवीन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान या वेस्ट बंगाल तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल हंड्रेड किसान रेल ठीक है गई एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं ये किसान रेल देख रहे हो जो फर्स्ट किसान रेल थी ना आपकी दैट स्टार्टेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार ठीक है तो महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में हंड्रेड है महाराष्ट्र एंड बिहार में फर्स्ट किसान रेल फ्लैग ऑफ की गई थी तो आपके लिए दोनों ही रेलिवेंट है दट फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड बिटवीन विच टू स्टेट एंड हंड्रेड हंड्रेड थे एक लैंडमार्क हो गया ना सेंचुरी होगी तो दैट इज वेट्स रेलिवेंट और दोनों में कॉमन क्या है महाराष्ट्र राइट दैट्स राइट अविनाश मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था संगोला टू शालीमार बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्थ इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो हॉट एयर बलून्स काफी हैं इंडिया में एट मेनी प्लेसेस बट फर्स्ट टाइम हॉट एयर बलून सफारी हैज बीन स्टार्टेड दिस इज द पिक्चर एव ब्रॉड ताकि आपको पता लग जाए ये हॉट एयर बलून होता है दोज ऑफ यू हैव इन दिस हॉट एयर बलून दे मस्ट नो एक्सपीरियंस अबाउट इट ठीक है लेकिन काफी वी हैव सीन दिस इन लाइक मूवीज सीरीज वगैरह में काफी देखा है इसे तो इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है कैसे याद रखेंगे जो भारत का दिल है मध्य प्रदेश अमिताभ जी कहते हैं ना कि आइए भारत का दिल देखिए तो मध्य प्रदेश भारत के दिल में हॉट एयर बलून सफारी स्टार्ट की गई है बेसिकली टू प्रोमोट टूरिज्म और ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ ऑल्सो आप सफारी कीजिए इसमें बैठ के राइट right? इसको मत भूलना ये सुंदर सा बलून है इसको ऐसे हार्ट की शेप दे दो भारत का दिल है इसमें स्टार्ट किया गया है राइट right? लास्ट क्वेश्चन फ्राम माई साइड गईस अ लोन वेवर स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई अ स्टेट दैट दैट विल गिव रिलीफ टू से थाउजेंड पर फार्मर फॉर ड्यू लोन्स विद स्टेट हैज लॉन्च दिस तो अगेन फार्मर जो है वो हॉट टॉपिक हैं हॉट कम्युनिटी बनी हुई है एक स्टेट ने कहा है दैट दे आर गोइंग टू कम आउट विद दिस स्कीम दैट विल हेल्प मोर देन सेवन लैख फार्मर्स ऑफ देर स्टेट ओनली अक्रॉस इंडिया नहीं है एंड ऑल्सो द लोन अप टू बी फिफ्टी थाउजेंड वो सरकार पे करेगी बैंक को फार्मर का वेव ऑफ मिल गया है पचास हजार के लोन का तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर स्मॉल फार्मर्स फिफ्टी थाउजेंड का लोन बड़ी अमाउंट होती है हमारे फार्मर्स के लिए तो कौन सी स्टेट ने यह अनाउंस किया है झारखंड कर्नाटका पंजाब या हरियाणा मैं देख पा रही हूँ आंसर इज ए झारखंड

So guys, I have a homework question for you. Aapko, you have to find this out and tell me the answer by mentioning in the comments below, right? I should be able to see that yes, you guys are studying, and also, if you find it, it will be really helpful for you. In my next video, I'll pick up the names of the students who have given this in the comments. Its answer, okay? Question is: Sathi Health Scheme is an initiative of which of the following state governments? So. स्वस्थ साथी स्कीम लॉन्च की गई है यू हैव टू टेल मी यू हैव टू फाइंड आउट इफ यू नो ऑलरेडी तो फिर तो वीडियो में मेंशन कर दो एंड इफ यू डू नॉट नो फाइंड आउट एंड मेंशन इन द कमेंट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर uh, में जरूर आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी रिगार्डिंग द सेम तो ठीक है आई एम होपिंग दैट यू इंजॉयड द सेशन ठीक है आप लोगों को पसंद आया सेशन यू फाउंड इट रियली हेल्पफुल एंड आई होप दैट दिस इज़ रियली गोइंग टू भी हेल्पफुल फॉर यूर एग्जामिनेशन ऑफ आई बी ए सी आई यू ठीक है तो दैट्स एट गाइज थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन आई एल सी यू नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम विद अनादर सेट ऑफ क्वेश्चन एंड देर एक्सप्लेनेशन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए राइट कुछ क्वेरी है तो हमें मेल डाल दीजिए प्लीज़ हेलो एट एडियो टैप डॉट को डॉट इन पे कोर्स के बारे में जानना है पेपर के बारे में जानना है एनीथिंग यू नीड टू नो रिलेटेड टू एग्जाम्स और यू कैन डायरेक्टली कॉल एट एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन थैंक यू श्रेयश जी अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए यू कैन ऑल्सो मैंशन योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स आंसर तो लिख ही देना वो स्टेट का स्वास्थ्य साथी का ठीक है तो आई विल टेक यूर लीव नाउ Okay, bye bye take care.